قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مدينة الإرمين وعلي بعضها एहसान अल्लाह दा जिस अल्लाह ने साथ इंसान बनाए हमेशा अपने मजलिस दी इब्तदाई क्यों करेगा ना जाहिर बाखूबी समझो मैं क्या अर्ज करना चाहना एहसान अल्लाह दा कि उस अल्लाह ने इंसान बनाए इस वड़ा एहसान जो अल्लाह ने साथ मुसलमान बनाए इंसान बड़ा इस एहसान किया है जानवर ने बनाया फिर एहसान किया है मुसलमान बड़ा इस काफिर ने बनाया मेरे प्यार बानो ये तो ही एहसान जोड़े ने बड़ा एहसान है अल्लाह ने सारे दिल ने मोहब्बत अहल बैत रखी है محبت اہل بیت نہیں نہ وہ انسان نہ ہی مسلمان انسان زندگی جینے کیا گزارے اس دی آخرت دا دار و مدار محبت اہل بیت جس اللہ نے مصطفیٰ کو نبی بنائے اللہ نے مرتضیٰ کو ولی بنایا کسی بندے نہیں چنیا نبی بھی اللہ بھیجے علی دا انتخاب بھی اللہ کیتے رسول نے اعلان میرے لیے حیران ہو ایک بار تجربات جو سے دیکھا اس میں बड़े बंदे बुजुर्ग छोटे की हिफाजत करें एक उसे दिखा उसे और परे तजर्बा कि हमेशा बुजुर्ग छोटे की हिफाजत करें ख्याल रखें अल्लाह की पूरी कायनात वाहिद छोटा अली जरा मुस्तफा का मुहाफिज़ हर बंदा छोटे की हिफाजत करेंगे ग्यारह साल का छोटा अली मुस्तफा की हिफाजत करेंगे तैनात एदा अजीम किरदार अली इब्न अबी तालिब का कि 11 साल के मुहाफिज दे होंगे पैगंबर को कहीं किस्म की परेशानी नहीं पड़ी और एजाज परेशान नहीं रहा मैं कौन रह रहे तेरे घर का एक घर था जो कोशिश का करे ना हमेशा अपना सबक सही अंदाज सुना देना और जाहिर है तुम्हारी मर्जी है तुझे जितना नंबर दो जाहिर है कलम तो हाथ से अल्लाह तो सलामत रखे पैगंबर तो पूछे ना तुम्हारा क्या रिश्ता है पैगंबर फरमावे ना ये मेरा छोटा भिरा है मेरा खून है तो आखी वसी खलीफती साहेबा लिवाई लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी रूहों का रूही सब कुछ है मेरा भिरा है दामाद है सब कुछ है ये लोग ना मौला अली को कुछ नहीं द्वारा इन नाल रिश्ता क्या है जो तो वो आपनी फिक्र कहनी इन हदे मुहाफिज हो 11 साल की उम्र है तू सही नहीं दे मुहाफिज अली अपना आना आप तो मिन अबी दे मोहम्मद इन गुलाम है बिचू अदना गुलाम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
दरवाजे लख ला देने पुछते हैं लख दरवाजे क्यों लग रहे हो यो मकान से चल आओ अरा वाले आ गया घर आते कई कई दरवाजे को लगते हर कोई
यहां पुराने अली दीनदार हा अली दुनियादार ना हा अली दीनदार हा अली दुनियादार ना हा। रुको मैं तैयारी कर अंदर गए मेरे मौला ने अंबिया ने तबरकात जिन दस्तार मुस्तफा सर्त रखी आसाए मुस्तफा चाया मैं ही आ जा रहा आज पहली दफा अली नबी बन के तो समाना समझता दिया मजमून सारे तो भी आज समाना समझता दिया अली हम मिंबर तक नहीं मारना अली मत बात इंतजाम करे से ये बॉडियां तो मुक चुके हैं ये एहतराम इतना नबी बैठे लुटा सहाबा नहीं बैठे अली भी क्या नमाज से अली मारा कमिटी के पास से मतबाद इंतजाम करे से चटाई के पास से खतरे के पास से मिसाल के तौर पर कुर्सी के पास से इन मिंबर से नहीं मारना मेरे मौला उस मिंबर के पास से मुतवज्जे थे मेरा मौला इन्हें बॉडियां पे कदम रखेंगे हूं जाते वाली बैठे जिथे नबी बन गया मैं फरमाया मैं एक
ਮਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਲੀ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆ ਚੋ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਿਨ ਅਲ ਹਵਾ ਅਕਲਹੁ ਮਿਨ ਅਲ ਹਵਾ ਸ਼ੁਰਬਹੁ ਮਿਨ ਅਲ ਹਵਾ ਲਿਬਾਸਹੁ ਮਿਨ ਅਲ ਹਵਾ ਨੌਮਹੁ ਅਲ ਅਲ ਹਵਾ ਹੱਤਾ ਅਵਾਨੀਹਿ ਮਿਨ ਅਲ ਹਵਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਿਬਾਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਦੇ ਹਵਾ ਤੇ ਬਰਤਨ ਹਵਾ زمین چیئے مخلوق ہے وہ پریشان تھی میں انہیں دیا تو آن نسینا تھا تو سا پریشان تھی مولا فرمایا تو سا پریشان تھی وہ تے بھائے اے پریشان تھی میں میں علی دوارے واسے بھی حجہ تھا انہوں واسے بھی حجہ تھا میرے مولا علی نے پہلا آرڈر جاری فرمایا جتنا میں علی تو پہلے گورنر رہا میں علی سارے کو ہٹنے لگا سارے کو معصوم کیا گیا آج کے بعد میری ڈیوٹی نوکری ختم یا علی تجربہ کار ہے کافی عرصے سے پیار میں گر جان گیا انہیں کو رہا دیو میرے مولا فرمایا میں بھی ایک نمبر آ میرے نال کام کرنے بھی ایک نمبر ہو میں عادل ہاں کام کرنے بھی عادل ہوئے میں سخی ہاں کام کرنے سخی ہوئے مشہور واقعہ قریب ایک گورنر نے جڑا تلاب تو شراب پینا صبح دی نماز دودھ دی جگہ دے چار چا پڑھائی ہو سر بندہ اٹھی تے آنکھاں لگا سویرے دی گیٹھے پڑھو چار پڑھائی دے تھی آپ کے آنکھاں لگا دیکھ کے آنکھاں لگا اگر آہ دے ہو تو دو بھی ہی پڑھاؤں ایسے گورنر علی ہٹائے اور اگلا آرے جاری فرمایا میں علی مدینے تو بیتے حکومت نہ کرے سا میں علی کوفے تو حکومت کرے سا یعنی دار بلا وقوف ہوا اگلا خط لکھا یمن دے بادشاہ کو گورنر کو حبیب سارے گورنر ہٹائے ایک انہیں نہیں ہٹایا اس دی وجہ حبیب وجہ آئے ہے کہ میں علی سمجھتا تیرے دل وچ میں علی دی محبت دے ٹھیک ٹھیک جس ویلے خط ملے میں علی دی بیعت گیا بیعت گیا دے بعد اپنی حکومت چوں دعوت چن کے میں علی تو بھیج دے میں علی نے بھی تربیت کیا دے خط پہنچا کی پڑھیا تو رون پہ گیا مجھے پوچھا دھمکی ہے نہیں غمی دے آنسو نہیں یہ خوشی دے آنسو ہے اچھا کیا خوشی دے آنسو ہے دیکھ کیا کہا لگا مبارک ہوا ہے علی مولا نے حکومت سنبھال گی دیئے تو یاد روگا کیوں ہوئی اب یہ خوشی سے روگا ڈھلو نا اور بیعت کرن بھی بھی چاہتا سے حکومت کرن بھی بھی چاہتا سے بیعت بھی اور حکومت بھی میرے مولا نے میں تدا بندے میں گئے چھوڑا ہوئے چھوڑا ہے سو پٹھا کار رکھا حبیب آٹھا مولا جو منگی انہوں نے صفات ہی لکھی نہیں میرے مولا فرمائے حبیب جو میں کہنے بھیجی ہوں خود تاکیر ہو رہے مدد سن سنے تو نماز نہ پڑھے خود تاکیر نہیں تھی سکتا ہاں ماتم کرے تو نماز نہ پڑھے خود تاکیر نہیں تھی سکتا عزاداری کا قائل ہو رہے کہ شراب پینا کھڑا ہوئے مدہ کی نہیں ہو سکتا چوری کرنا اللہ مدہ کی نہیں ہو سکتا مومن دی توہین کرنا اللہ مدہ کی نہیں ہو سکتا
सकता, दाड़ियां मना मरा ला मुद्दा की नहीं हो सकता। हां जेड़ा पंजा सात साल दे उमर जीवन में दा खड़े नहीं कोनो डुंगे पिया दी वेंदे ही न शरीयत नाल कहदा था। अच्छा इसे नुकसान क्या है? ये तो हकीकत परेशान नहीं रहो पैगाम देना का ना मकसद साहब की है। इमाम के सामने किया खड़ा हुए इमाम इतना चाक है किया शक्ल जी की दिया में हाँ तेरी जन्नत का जामिन है नहीं जा देख जा मैं दूसरी ना मैं आधा रहना ठीक होने चाहिए हैं देख तो जहर शक्ल सूरत ठीक होनी चाहिए दूसरा मरण वाले का वफात करनी चाहिए जरा वो कफन पवाओ हो तई कौन सुनियो क्यों आखिरी लिबास ही ठीक होना चाहिए है तो मरण वाले शक्ल भी ठीक। अच्छा एक बिया नुकसान भी दस मिसाल के तौर पे कई बंदे में दाढ़ी बना के बैठे हुकूमत आके जबरदस्ती चौड़ी बंदे घेर वो करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे की पुजारत करो ते अजी आज करो ते आदर है हुकूमत जहाज चपावे। हाँ इमरान खान का जहाज सही रहा हुए बंदा करबला तो पहुंच गया से लेकिन इमाम के रोजे पे मन आए किसे दाढ़ी कौन का पोसा देना पहुंच लगे नसीब तो चाहते हैं कि मौका मिल गए हकों में फरियाद नहीं करेंगे लेकिन इमाम के रोजे पे मन है इमाम जैन अलाबदीन अलैहिस्सलाम सलाम इतना मुखालफत करे से वकालत करे से जितना जितना जिस जिस काम में इमाम हुसैन की मुखालफत करे से सामने आया ना मौला की शान कसीदा अरबी पढ़िए बगैर तर्ज के पढ़िए बता दिए से कसीदे तर्ज वाले सुन लो ये कसीदा बगैर तर्ज मैं कसीदे का मुनकर ना सही कसीदे का मुनकर भी ठीक नहीं और उसकी आखरत भी ठीक लेकिन एक गल अल्लाह वास्ते इमाम की शहादत मनावन आला जेड़ा बंदा एक कसीदे को तैयार करने वास्ते आठ तो दा दफा तर्ज सुन के कसीदा तैयार करें दे दा दफा पुनः करके एक कसीदा तैयार करें दे उनका केतु कितना सवाब थी से मेरा एक सवाल है जहर भेसर लोग मेरा सी से शेख मुन के कसीदे ना ना कसीदे में मुन के पे अल्लाह दी ना ना लेकिन एक सवाल तो बढ़ रहा है कि जिस तरह सामने ते कुरान इसे तर्ज से भी पढ़ सकते इसे तरह नाते के कुरान को ही नहीं पढ़ सकते। कसीदा पढ़े अरबी बगैर तर्ज से खूबसूरत है ये इब्तिदा की थी मौला फरमाया तेरा नाम क्या है कि तुम यमन तो पहले वो लिबास पावा जे मैं अली तुम्हारे वास्ते रखे
वला मैली नार डाल ये सामने आ खड़े लिबास पावा देवा कसीना शुरू की तो तुसा इमाम आदिल और कसीम नार व जन्ना व हसनैन ने अब्बा हो जो बतूल और दामाद पैगंबर हो साकी कौसा और दिवाया हम कुसर कावने हर शय तारीफ की के जमाना भरना एक दिन बड़ी तारीफ की थी यही तेरा नाम क्या ये देख क्या खड़ा मेरा नाम है अब्दुल रहमान मतलब फरमाए कौन अब्दुल रहमान आगे मेरा नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मतलब फरमाए हाँ अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी आगे जी हमारा फरमाए तू मेरा काबिल है तू मेरा आगे नहीं नहीं मौला मैं तेरा वो है ना इमाम फरमाया मैं वोट के नाल इमाम नहीं बन जाता मैं महसूस मिन अल्लाह तो मेरा काते थे आज नहीं मौला मैं पर वो है बाप मौला ने ना भैया मैं तो ये जरूर समझता हर मन अल्लाह मौला का नूर है बनी हो रहे बंदे निराश हो से मैं सारी जिंदगी तो वो का तुसा मोमेंट तो सारी जिंदगी में वो को तू मोमेंट ना मैं जा के ना दूसरा मोमेंट ना तालिया के ना मैं मोमेंट मोमेंट तो हूँ मेरे होश में ना अली आपसे बात की मोमेंट है बाकी तेरी मर्जी है तू इश्तिहार ला मोमेंट होकर दे पुरुष अल्लाह ने मोमेंट होकर दे बहनर ला ने मोमेंट होकर दे ना जब तक मोमेंट चला तो कोई मोमेंट नहीं बदला मोमेंट बढ़ से हूँ मेरे जो सुने मौला आपसे तू बात क्या मेरा मोमेंट नहीं है ना जाके जमल मौला लड़ी ते मेरे मौला के ना रहा जाके सिकीन मौला लड़ी ते मेरे मौला के ना रहा जिस ने कुरान नेजी ते बुलंद किया पत्रे को मत के कुरान बढ़ा के नेजी ते बुलंद किया गया ई आख्या मौला सा कुरान चे खड़े मौला फरमाए कोई कुरान नहीं होगा पत्थर है ना ना मौला कुरान है मौला फरमाए मन ही बिना कुरान है तो कुरान है सामने ते मैं अली कुरान है ना देगा इतु इसने इख्तलाफ की तक ये गिरोह खवारे का सरबरा पड़े और इस सरबरा बना दे बाद जंग नहरवान इसमें मौला बिन मुकाबले च लड़ी जिसने इसने बंदे कत्ल थे जंग तू ए भन्ना मौला से कुफार पहले एक कुफार लिया और कोतामा नाम यौरा दे घर लिया बात लिखते थे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम चाहे साले नबी की नाका दिया लता कटिया हन केदार दी नसली चूर खुदावा चूके चांदी आई उस देर वाले को प्यू को लांती को मौला अली ने नहरवान इस पता किया तूने आख्या अगर तू मेरे नाल शादी करना चाहे तो अली दा सर चाहिए के मेरे मौला दे कतर वास्ते आमादा हो 17 रमजान को मेरे मौला ने जिला किताब की ता आखरी खुतबा और आखरी किताब एक रिवायत इस में पढ़े सजे पासे को मालिक खड़ा खबे पासे को सातवा दिन सुहान खड़ा मौला यंत्र रहमान को आमा नहीं थे मौला रो पाए सासा पूछे मौला ये आमदी ते दूसरा भी आम दूसरा रोमन शुरू था मेरा वजह क्या है मौला फरमाया ए मेरी मौत चाहते मैं इनकी जिंदगी चाहता हाँ हाँ मौला फरमाया ए गांधी भाई है इसे ईते मेरे धीया ने यकीन हो मुझे ना जहरी लोग सवाल करेंगे जब अली को पता हाँ तो फिर अली ने कतल क्यों नहीं किया मैं था मेरा भाई वाहिद अदालत का निजामी आले मोहम्मद को जेल तक मुझने जुर्म न करे आले मोहम्मद सजा नहीं दे देते हाँ जेती मुझे चोर न करे ये सदा नहीं देते तेरा कूफे से मिम्बर से देख लाना मौला अली
हसन पूछा बाबा क्यों रोंदे हो? अली फरमाया मेरा दिल चाहे मेरी अंधियां टूट गया। बाबा रोंदे क्यों हो? मैं घिन आता रो के फरमाया ने जी मुसल्ले ते दाएं नाल आंदी है अगर जाने कूफे दा सफर की नहीं करे बने को हटा गया कहा छोड़ दो अली बिकी बाबे को मिलन मिल दौरा में सफर कुछ है हसन सारे धीरा नजर तो मेरे अब्बास के लिए तेरे रस्ते ते बंदे बताते ने भी दिया जे उठ बिला मैं ना दिया मेरे गाने को सब अब्बास आए अब्बास मेरे महमद तो दूर न किया जाए गाजी तो मेरे महमद तो दूर थी मैं मेरा हाँ लहा लगने में अब्बास तो मेरे महमद ना जुड़ा दिल में शाम में यूर वास्ते प्यारा अब्बास तेरे चले मेरी माँ सी गई है इस सदा हरता है करीना रेशमिया पर्दे लट गए फरमाया सारे पुत्र चले वजो मैं आज दीनर जुगाल करूं महान नबी फरमाया बचना दे ए कूफा दा बाजार ये दरबार ये गलियां ये चलो अगे बाबा बाजार ते दरबार फकर ने नसीब ने मैं कदी धीरा अली आदर रोना इस गाल हुआ है हसन को शहर मिले पता लगे बाबा क्यों चुन रहा उस
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਬਾ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਚੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਿਆ ਪੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚੁੰਦਾ ਅਲੀ ਮਾਲਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਾਹ ਗੋਦਸਤਾ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਲੀ ਮਾਲਾ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਨੂ ਆਜ਼ਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅਹਿਲ ਬਹਿਤ ਕਹੂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਨ ਹੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਕੁਫਾਨੀ ਤੇ ਦੇਵਾਨ ਅਲਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਸੰਯਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਆਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਸਿਹਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੀ ਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਲਾ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਕਰ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਬਲਾ ਚ 72 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ इस बेगैरत Thank you.
शरीफा इलाज जारी किया हकीम है जिन आखिर की मार है ना हकीम इमाम पूछे मेरे बाप की क्या सूरत हाल है कैफियत क्या है आगे मौला कितना बस लगता ही ना बाप को दर्द मिला क्या मौला शरीफा सुन इमाम हसन के मेरे बाप वास्ते दर्द जरूरत है खुदा गवाह ने कूफा का हर यतीम बेदुशा से आया खड़ा मेरी लाइक दी आ नजर आबे को कुरान सुना अली की सूरह मरियम दिया चंद आयता पढ़ है शरीफ भी चुप कर बीबी ने चुप करना अली फरमाए बचरा कुरान क्यों ना पढ़ती बाबा ये पहले जिरे बनी हाशिम को दे देना इना दी वजह तो मैं कुरान ना पढ़ सकती अली का सुनना हा ਆਪਣੀ ਸਰਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਸ ਅਲੀ ਰਬੂ ਨਾਈ ਬੀਬੀਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਪੈਰੋਂ ਗਏ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਨੇ ਬੁਲੇ ਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਸਾਕ ਵੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਨਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵਸੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਨ ਹਸਨ ਦੇ ਨੇ ਜਬ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਹਸਨ ਮੇਰਾ ਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤਰਕ ਜਨਾ ਦਾ ਡਰ ਕੋਏ ਖਤੀ ਖਤੇ ਕਬਰ ਨੇ ਸੋਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਾ ਭਾਈ ਅਲੀ ਬੁਲੀ ਔਲਾਦ ਪੁੱਛੇ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਸੁਭੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਪੁੱਛੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਗੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੇ ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੰਜਮ ਸਿਆਦਨ ਬਾਬਾ ਤੇ ਦਾ ਸਜਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਜਾਵਾ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਖੁਦਬਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਜਾਵਾ ਬਾਬਾ ਹੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਪਰਸਾ